वेलकम टू एसएससी मेकर। आज है 3 फरवरी 2020 और 3 फरवरी से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आप लोग को बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि बात तो उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। चलिए देखते हैं कल का प्रश्न और बहुत सारे बच्चों ने इसका करेक्ट आंसर लिखा था। सबसे पहले तो मैं उन सभी का थैंक्स करना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ आज भी बच्चे करेक्ट आंसर लिखेंगे। तो क्वेश्चन था हमारा आर्थिक समीक्षा 2019-20 द्वारा भारत में भोजन की थाली का अर्थशास्त्र किस नाम से दर्शाया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है थालीनॉमिक्स। थालीनॉमिक्स इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। देश के कितने और नम भूमि क्षेत्रों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व का क्षेत्र घोषित किया है। तो इसका करेक्ट आंसर है 10। देश के 10 और नम भूमि क्षेत्रों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व का क्षेत्र घोषित कर दिया है। किस सम्मेलन के दौरान यह घोषित किया। तो रामसर समिट, रामसर सम्मेलन के दौरान यह घोषित किया। और इसके साथ अब देश के कुल कितने 37 क्षेत्र रामसर सम्मेलन द्वारा इसको मान्यता प्राप्त हो गई है। तो देखते हैं आज का सेकंड क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले गाइज अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, और अगर शेयर नहीं किया तो फटाफट से अपने व्हाट्सएप, इंस्टा, ट्विटर, टेलीग्राम या फेसबुक पर जितने भी स्टडी से रिलेटेड ग्रुप हैं या पेज हैं सभी में फटाफट से शेयर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाभ उठा पाएं। चलिए मूव करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की साइड, जो कि क्या कहता है। रेलवे ने कहाँ पहला कचरे से उत्पादन करने वाला संयंत्र शुरू किया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाता है। इसका करेक्ट आंसर है भुवनेश्वर। भारतीय रेलवे ने ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन में भुवनेश्वर के मैनचेस्टर, कौन से मैनचेस्टर कैरिज रिपेयर वर्कशॉप में कचरे से ऊर्जा उत्पादन करने वाले देश के पहले सरकारी संयंत्र की स्थापना की है। और इसकी लागत में लगभग 1.79 करोड़ रुपए की लागत से इसे तैयार किया गया है। और इसमें प्लास्टिक और ई कचरे के साथ साथ 500 किलोग्राम कचरा प्रतिदिन निपटाने की भी क्षमता है। कितनी कैपेसिटी है, प्लास्टिक, ई कचरा और उसके साथ साथ 500 किलोग्राम का कचरा, ठीक है। और कचरे से ऊर्जा उत्पादन का यह संयंत्र पेटेंट कृत प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करता है, जिसे पॉलीक्रैक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पॉलीक्रैक। तो चलिए मूव करते हैं आज के अगले थर्ड क्वेश्चन की साइड, जो कि क्या कहता है। सुप्रीम कोर्ट ने कौन से चीता भारत लाने की अनुमति दे दी है। तो इसका करेक्ट आंसर है अफ्रीकी चीता। सुप्रीम कोर्ट ने प्रयोग के तौर पर सरकार को अफ्रीकी चीते को भारत में उचित स्थान पर रखने की अनुमति दे दी है। अब हम बात करते हैं NTCA। NTCA स्टैंड फॉर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, ठीक है। उन्होंने यह कहा है कि दुर्लभ भारतीय चीता देश में लगभग विलुप्त होने की कगार पर है। लगभग वल्नरेबल, एक ये वल्नरेबल प्रजाति है, ठीक है। और NTCA ने इसलिए नामीबिया, कौन सी जगह से, नामीबिया से अफ्रीका चीता मंगाने की डिमांड की है, ठीक है। अब आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। NTCA का एस्टैब्लिशमेंट ईयर कौन सा है, आपको वो एस्टैब्लिशमेंट ईयर कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलिए मूव करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की साइड, जो कि क्या कहता है। 2020 बीटिंग रिट्रीट, ये रिट्रीट लिखा है, ठीक है, रिट्रीट, बीटिंग रिट्रीट समारोह में कौन सा गीत पहली बार गाया गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, राष्ट्रीय गीत। इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाता है, राष्ट्रीय गीत। हर वर्ष गणतंत्र दिवस के बाद 29 जनवरी को बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी का आयोजन किया जाता है। और गणतंत्र दिवस का समारोह समापन बीटिंग रिट्रीट के साथ ही होता है। 2020 बीटिंग रिट्रीट समारोह में पहली बार वंदे मातरम गाया गया। चलिए देखते हैं आज का फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है। फिफ्थ क्वेश्चन है आज का, भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के पहले मामले की पुष्टि किस राज्य में हुई। तो इसका करेक्ट आंसर है केरल। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के पहले मामले की पुष्टि केरल में हुई। अब बात करते हैं हम लोग चीन में फैला कोरोना वायरस, जो कि बहुत जानलेवा है और जिसको आपातकालीन वायरस भी घोषित कर दिया है, ठीक है। चीन में फैला कोरोना वायरस, भारत में भी इसके पहले मामले की पुष्टि हो गई है। और वुहान, कौन सा शहर चीन में, वुहान,
वुहान से केरल लौटा छात्र कोरोना वायरस से संक्रमित है। अब चीन में कोरोना वायरस से अब तक लगभग लगभग 170 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 7000 से ज़्यादा लोग इसकी चपेट में हैं। कोरोना वायरस जानवरों एवं इंसानों दोनों को संक्रमित कर सकता है। अब हम बात करते हैं केरल की, तो केरल की राजधानी सबको पता है तिरुवनंतपुरम है, और वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? पी विजयन वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान वहाँ के राज्यपाल हैं। चलिए मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न की साइड, जो कि है यूरोपीय संघ की संसद ने किस देश को यूरोपीय संघ छोड़ने की अनुमति दे दी? तो इसका करेक्ट आंसर है ब्रिटेन। यूरोपीय संघ की संसद ने यूके की ब्रेग्जिट डील अनुमति दे दी, और अब यूनाइटेड किंगडम 31 जनवरी 2020 तक यूरोपियन यूनियन से अलग हो जाएगा। ब्रिटेन में जून 2016 में यूरोपियन यूनियन से निकलने पर निर्णय हेतु जनमत संग्रह हुआ था, और ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन छोड़ने वाला पहला देश बन जाएगा। अब हम बात करते हैं ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन की राजधानी सबको पता है लंदन है, और वहाँ के प्रधानमंत्री का नाम मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है वहाँ के प्रधानमंत्री का नाम, वीडियो पॉज करके फटाफट से, ठीक है। मुद्रा की बात करें तो मुद्रा वहाँ की सबको पता है, पाउंड स्टर्लिंग वहाँ की मुद्रा है। चलिए देखते हैं सेवंथ क्वेश्चन क्या कहता है। सेवंथ क्वेश्चन है, टेरी ने कहाँ वर्ल्ड सस्टेनेबल समिट 2020 का आयोजन किया? तो टेरी ने नई दिल्ली इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा सबसे पहले तो। अब हम बात करें द वर्ल्ड सस्टेनेबल समिट 2020 नई दिल्ली में द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, टेरी की फुल फॉर्म आप लोग पॉज करके लिख लीजिए वीडियो, मैं रिपीट कर देती हूँ, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक कार्यक्रम है, और इसकी थीम की बात करें तो टूवर्ड्स 2030 मेकिंग द काउंट इसका थीम है इस साल का, ठीक है। और इस बैठक में सस्टेनेबल एक्शन डायलॉग्स, क्षेत्रीय संवाद और कॉरपोरेट कॉन्क्लेव IFT दिल्ली 2020 युवा स्वयं सेवक कार्यक्रम भी शामिल हैं, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न की साइड, जो कि है एर्थ क्वेश्चन, और क्या कहता है एर्थ क्वेश्चन। दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया, इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाता है? हैदराबाद के तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित कान्हा शांति वन में दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया। सेंटर हॉल और 8 परिधीय हॉल सहित बड़े मेडिटेशन सेंटर में 1,00,000 लोगों को ध्यान लगाने का प्रशिक्षण मुफ्त प्रदान किया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं तेलंगाना भारत का कौन सा 29वां राज्य है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है तेलंगाना। तेलंगाना में जो भी चीज़ न्यूज़ में आती है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसलिए आप ये लोग मार्क कर लीजिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर है दुनिया का, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है। 29th भारत का राज्य है, 29th तेलंगाना, और 2 जून 2014 को इसके एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। अब बात करते हैं और इसकी राजधानी क्या है, हैदराबाद इसकी राजधानी है। मुख्यमंत्री की बात करें तो कौन है? के चंद्रशेखर राव वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल की बात करें तो तमिल साई सुंदर राजन वहाँ के राज्यपाल हैं। चलिए मूव करते हैं आज के 9th क्वेश्चन की साइड, जो कि क्या कहता है किस खेल की पूर्व कप्तान सुनीता चंद्र का निधन हाल ही में हो गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है हॉकी। वो किस खेल से संबंधित थी? तो वो हॉकी से संबंधित हैं। अब हम बात करते हैं भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान और अर्जुन पुरस्कार प्राप्त सुनीता चंद्रा का निधन 27 जनवरी को हुआ। वे उस टाइम पर 76 उनकी एज क्या थी, 76 साल की थी, और वह वर्ष 1956 से 1966 मतलब 10 साल 1956 से 1966 तक भारतीय हॉकी महिला की टीम की कैप्टन भी रही, ठीक है। और इस दौरान नाइनटीन फिफ्टी सिक्स से लेकर 66 तक वो टीम में रही थी, और 3 साल 63 से 66 तक वो कप्तान रही थी, ठीक है।
तो वो कप्तान 3 साल रही और टीम में 10 साल के लिए रही। चलिए देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न क्या कहता है। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए किसे चुना गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? रानी रामपाल। रानी रामपाल को चुना गया वर्ल्ड गेम्स एथलीट्स ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए। अब बात करते हैं भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान। अभी फिलहाल ये हॉकी बहुत चर्चा में है। हाँ, ये पिछले वाला क्वेश्चन सुनीता चंद्रा से रिलेटेड, ये भी हॉकी से रिलेटेड है और रानी रामपाल भी हॉकी से रिलेटेड है। अभी प्रेजेंटली भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी को वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019 से नवाजा गया। वह यह प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। ठीक है, पहली भारतीय बनी है और इस पुरस्कार के लिए वोटिंग जनता करती है और यह पुरस्कार शानदार प्रदर्शन, सामाजिक प्रतिबद्धता और अच्छे व्यवहार के लिए दिया जाता है। चलिए देखते हैं आज का होमवर्क का प्रश्न क्या कहता है। होमवर्क का प्रश्न है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस वायरस को अंतर्राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया गया। जिन बच्चों ने ये वीडियो अच्छे से देखा है उनको ये आंसर अभी मिल गया होगा। तो इसके ऑप्शन है कोरोना वायरस, एबोला, कांगो या बर्ड फ्लू। तो आई होप सभी बच्चे करेक्ट आंसर लिखेंगे। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। जब भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तो उसके बगल में एक बेल आइकॉन भी नजर आएगा, आप उस पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम पर मिलते जाएं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। हैव अ नाइस डे।